भरत प्रिय राम चंद्र देव की जय। बोली पवन सुत हनुमान की जय। बोली अपने अपने गुरु गोविंद की जय। We'll be right back.
निर्विघ्न में देवा सर्व करे सो शरीवता या कुंदे नेंदु तुसारी हरि धविला या शुभ्रे वस्त्रावृता या वीणा वरदंडे मंडित करा या श्वेत पद्माशना लखन श्याम चंद्र शंकर आर्यो भरत भूमि के पावन भूमि पर आज प्रभु राम का नारा लगाया है और पावन सुंदर पावन गांव के ये पावन भैया गोपड़ा गांव के पावन भैया पर आज राम रूपी मंदाकिनी गंगा का धारा बहाया है। माँ कौशल्या के कोरा माँ जन्म ले भैया छोटे छोटे नान्हे नान्हे लेखा के कोरा माँ खिलैया समस्त राजा दशरथ जी से पिता अतुल्य मल्ला माता कौशल्या सुमित्रा माता के माता जी से हमर महातारी मल्ला और जगत नियंता जग की रचना करने वाले समस्त हमर आयोजक बंधु बड़ मल्ला श्री सचिदानंद दीप ज्योति बालिका मानस परिवार ग्रामगार का जिला बालोद छत्तीसगढ़ से उल्ले कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि प्रणाम है स्वीकार करे के प्रयास करो दाई भाई धन धन भाग हमार कि आज ये दुनिया में मानव जन्म लेकर क्या है बिलाई रहते हैं कुकुर रहते हैं है ना और मेचका रहते हैं का रहते हैं तेकर कोई भरोसा नहीं रही से जैसे ये जीव के कोई भरोसा नहीं है है नहीं हाड़ मास के जीव बने कते कर लटक गए तेकर कोनो भरोसा नहीं है आवो ये मानव जीवन है और चलते भी राम इंसान के साथ बदलाव होना जरूरी है लेकिन इतना भी बदलाव मत हो जाए कि वास्तव में दुनिया आज राम को ही भूल जाए परमात्मा कौन है जिस कृपा से हम इस दुनिया में आज सुख और दुख का जीवन को निर्वाह करते हैं उस सुख और दुख में हमेशा भगवान को याद करते हुए चलना चाहिए। इसलिए हम कर्म जगत के इस दुनिया में पावन धरा में जन्म लेकर का है और इस धरा के भारत भैया के सरजमी को लेते हुए अपने धर्म को निभाना पड़ेगा। आइए पावन रामचित मानस कथा आयोजन पावन ग्राम गोबरा के पावन भैया पर आज सुंदर तीर्थ जी श्री रामचित मानस के आयोजन करे समस्त हमारे तोता जैसे बोली रटिया उद्घोषक महोदय झीला और सुंदर दूध पानी कलक करिया हमर निर्णायक बंधु गढ़मल्ला संगे संगमा चिप्स और कुरकुरे के दाई ददारा लड़ैया छोटे छोटे लईका मल्ला बाल गोपाल मल्ला संगे संग संगी जहुरिया भैया मल्ला आप सब उजन मल्ला श्री सचिदानंद दीप ज्योति बालिका मानस परिवार ग्रामगार का जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर ले कोटि कोटि नमन है प्रणाम है स्वीकार करने के प्रयास करो दाई हम अब आबो चलबो एक घड़ी या दो घड़ी पुण्या दो के आदे तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध महुला लगत है कि तहू मला नींद लागत हो ही ना आज दूसरैया दिन है तीन दिन राम कथा होना है सही बात है दाई हो नाचा होते तो इंसान रात भर देख लेते गांव में कोनो मड़ई मेला होते नाचा होते तो सिटी पर यह मतलब रात भर देख लेते मगर जहाँ राम कथा के चर्चा होते वहाँ इंसान लौंघासी लागते जहाँ पर हमारे जीवन चरित्र के कथा दिए जाते हैं घर परिवार के कथा दिए जाते हैं आवो उसी पावन कथा में चर्चा करने से पहले चलो गणराज जी महाराज जी के पावन बनाओ फिर चलो आप सबके बीच में राम कथा के मानस चर्चा में गोता लगाए के प्रयास कर लखन से आजाम चंदे शंकर कीर्तन में रसे बरिशावो
मेरे तन में जय हो, माता के तन में रस भरे साओ भरे के मानस चर्चा अरण्य कांड और अरण्य कांड के पावन गंगा सागर में संत श्रवणी गोस्वामी साजी महाराज लिखे का
कि लोभ की इच्छा दंभ पर और काम के केवल नारी क्रोध के पुरुष वचन बल मुनिबर कहां ही विचार। ये कथा कौन ला सुना थे? परमपिता परमात्मा रामचंद्र जी। जब माता शबरी ला तार थे ना, तो माता शबरी कहां की कथा ला बता थे कि पंपा नामक मानसरोवर में जाओ, माता सीता की पता ला पूछी है नी। ये दुनिया में नारी के हरण होवत है, होवत की नहीं होवत है? ये दुनिया में नारी के हरण होते कि नहीं हुए दाई? होते है ना। जैसे लंका के रावण माता सीता ला हर करके ले गए, लेगी कि नहीं लेगी? ले गए। माता सीता ला हर करके लेगी से दुनिया में नारी के हरण होते, लेकिन वो सीता ला बचाए बर जटायु जैसे गिद्धराज जैसे बड़े बड़े पक्षी अपन आप ला समर्पण कर दी, उकर मन के प्राण भी छूट गए। मगर आजकल के नारी मन के अगर काकरो हरण हो ही तो कोई इंसान बचाए बर कोई नहीं जाए। सोचो ये रामचरितमानस के बाद में और हमारे जीवन में कितना फर्क है। और रामचरितमानस किस लिए बनाया गया है? क्योंकि इंसान कुछ क्षण भगवान रामचंद्र जी मर्यादा है, इंसान भी मर्यादा के पूर्वक चले, मगर यहाँ मर्यादा नहीं है इस दुनिया में। इसलिए राम कथा का मानस चर्चा, हम मानव जगत में आए हैं तो कर्म की भूमि में आए हैं और इसी कर्म की भूमि में राम जी से ज्ञान के भी जन्म हो। लंका के रावण माता सीता ला हर के ले गए, का बनहू कही के दासी बनहू कही के, अब ओकरे पता लगाए पर परमपिता परमात्मा राम ज्ञान है, अनुज भाई लक्ष्मण जी वैराग्य है और माता सीता भक्ति है, तो परमात्मा राम और लक्ष्मण भैया खोजे पर निकल गए। चाहती तो भगवान राम एक बाण से ही लंका के रावण ला मार सकत रही से, मगर हम माया रूपी दर्पण में फंसे हुए हैं सब। लंका के रावण अपन दासी बनू कही के लेगी और लंका के रावण के केठन मुड़ी रही से दाई हो, जानतो केठन रही से केठन? तुम अलग मच्छर नहीं चाबत का हो? चाबत है नहीं, हम मन मंच में बैठे तैकात कन जमात है, काबर वाला बल मिल गए है नी। अब ओकर बल ओकर दांत है, लेकिन बल के साथ साथ में ओला का मिल गए? का मिल गए बताओ तो? बल तो है लेकिन ओला भी आज वो जो का करत है उपयोग करना चाहते है नी। आज मौका मिले मोला का करे के सबके खून ला चूसे के राम ला रस ला पिए के नहीं है, लेकिन आप मन ला इसे मौका बार बार मिलते का नहीं मिले? ए पारक मन हा वो पारक मन हा कभू कभार रामायण सुने बर आते, साल में एक बार होते रामायण, तब बाकी दिन कोनो देखेल तक नहीं मिले काकरो चेहरा ला, महीना भर बाद देख देबो काकरो काकी के मुंह ला तो बहुत है लेकिन देखे नहीं मिले। उसी प्रकार से रामचरितमानस में कहते कि माता सीता कौन है? भक्ति है। और आज भक्ति को चुरा करके कौन लेगा? लंका के रावण ले गया, लंका के रावण के दर्शन मुड़ी है नी, और आंखी केठन हो गए 10 × 20 हो गए, आंखी 20 टन हो गए। लंका के रावण सिर्फ माता सीता ला लगी अपन दासी बनहू कही के, आजकल के मनुष्य मन के एक ठन मुड़ी है, अब एक नहीं है आंखी केठन है, लेकिन वो मन दुनिया भर के नारी देख डर थे है नी। लंका के रावण सिर्फ एक नारी को देखा दासी बनाऊ कही के, लेकिन आजकल के मानव में देखो कितना परिवर्तन है, आजकल के मानव मन दुनिया भर के नारी ला देख डर थे। इसलिए कहता है क्योंकि रामचरितमानस में लोभ की इच्छा दंभ पर काम के केवल नारी, लक्ष्मण भैया ला समझाते कौन? परमात्मा रामचंद्र जी। माता सबरी ला जब शरणागत में पहुंचाई ओकर बाद पंपा नामक मानसरोवर जाते हुए जो सुंदर वहां के फूल के बगिया ला देखा थे, वहाँ के सुंदरता ला देखा थे, क्योंकि सुंदरता सिर्फ इंसान को लुभाने वाला ही है ना? सकल सूरत कब तक काम दी? जब तक 22-23 साल या फिर ज्यादा ज्यादा 30 साल, और 30 साल के ओप पार होगी इंसान है तो शरीर जो है अपन जो है ना रूप ला दिखाए पर लग जाते, मांस मन कोचरा जा, गाल मन चेपड़ जा, डोकरी हो जाही है नी, आंखी मन घलो कमजोरा हो जाते। अब आजकल आदमी मन तो ज्यादा ज्यादा 30 साल तक घलो नहीं जिए, आदमी मन है 30 साल तक भी नहीं जिए। तो परमात्मा रामचंद्र जी कथे कहा के हे तात सुनो, जीवन में काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट है। सही बात है, काम क्रोध और लोभ, और लोभ का चीज है तो सुनो, इंसान ला बड़े से बड़े आदमी क्यों ना हो जाए दुनिया में, फिर भी ओकर कर सब कुछ होते हुए भी ओला कमी रही, ये लोभ है।
जरूरत कभी पूरा होने वाला नहीं है मनुष्य का। ये मानव जगत में हम जन्म लेकर का है, कितना भी हमको मिल क्यों ना जाए। हम ये नहीं कहते कि भगवान की कथा हमला पूर्ण रूप से ज्ञान है, अभी भी हमको प्राप्त नहीं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। ये राम नाम की कथा है। ज्ञान कब प्राप्त हो जाएगा? जब माया मोह को छोड़ देंगे, तब भगवान को अगर ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें तो जरूर ज्ञान मिलेगा। सिर्फ माया मोह को छोड़ना पड़ेगा। और माया मोह का पति पत्नी लोग लड़का, ये माया मोह है नहीं। तुम रामायण सुने लाहो दीदी हो, गोबरक मन अपन अपन घर वाले भूला जाओ का बताओ। तीन दिन रामायण हो थे, भूल जाओ अपन अपन घर वाले ला। कैसे हो? दो दिन ले कम से कम याद मत करो। ये कौन है काय हम नहीं जानन। हमला सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। कोई भूल जही नहीं भूल सके। ये मानव जगत है और मानव जगत में इंसान जो किसी को भूलना नहीं चाहता। यहाँ रामो मिले और माया मिले, दोनों मिले कहीं इंसान में चलते बात है। एक सती कथे रामायण पढ़े मन पढ़ा थे, बाकी मन सुता थे, है नी अहू बात। हमला का करने मन पढ़ के जही पैसा ला दे दें जी, हमार काम ला कर दें, ऐसे वाला कहीं सोचते। लेकिन क्यों कराए जाते हैं रामचरितमानस? इंसान को समझना जरूरी है, गाँव के सुख शांति के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए। क्योंकि आदमी परमात्मा राम जी माता शबरीला नौधा भक्ति के बाद बताई, और नौधा भक्ति में से एक भी भक्ति अगर इंसान में बैठ जाए ना तो बहुत है। इस आचरण को उतारने के लिए रामचरित मानस का आयोजन कराया जाता है। क्योंकि आज इंसान लोभ और मोह में पड़ा हुआ है, इसलिए कहते हैं कि लोभ काम क्रोध और लोभ ये तीनों का है प्रबल दुष्ट है। क्रोध इंसान ला कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, है नी? इंसान ला कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। और अहंकार को मारने के लिए ज्ञान का जरूरत होता है। का के लिए अहंकार कर भी बता दो। तूने जो कमाया है दूसरी दही खाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। हम जो कुछ भी दुनिया में कमाए हैं हमारा नहीं है। सोना चांदी तुमन पहने तुम्हार हरे का नोए, एक लोभ एक माया है सब इंसान को नचाने के लिए। आज दुनिया जगत में वही सकल वही सूरत है, वही पेड़ है, वही इंसान है, वही सांस है, मगर बदला तो बदला क्या बदला इस दुनिया में? बदला तो एक फैशन ही बदल गया संसार में, फैशन। और फैशन के देखते इंसान के बोल चाल चले के दृष्टि रहन सहन सब बदल गए मनुष्य के। हमको बदलना नहीं, बदलना तो सिर्फ किसको है? अपने आचरण को बदलना है। रामचरित मानस में नहीं कहा कि इंसान बदल जाए, मगर आजकल दुनिया में देख बे है नी, पहली दाई मन घूम घूम ले लुगरा लठाके वो आपके मन तो अपन मुंह लुगरा करके रेंग थे, हमारे बने चकचक ले देखी बने सुंदर दिखतन कही के, है नी? पहली मन बारह हाथ के लुगरा पहने आपके मन तो डिजाइन ला देखात रेंग थे, दाई हो लुगरा कोई महत्व नहीं हो, डिजाइन के महत्व है नी? दाई दादा मन लड़का बने कपड़ा पहना थे, आपके लड़का मन तो चिरा चिरा जींस ला भोंगरा करके पहनते वो, जानो मानो हवा नहीं जाए गोड़ हाथ डहा। दीदी मन मांग निकालते आजकल के भैया मन तो जमारा बोल सीख गए वो, है ना? जानो मानो कर मुड़ी देवता खेलत है। अब ऐसा मला कौन समझाई दाई हो, आज के जमाना के हो ना, इंसान वही है, सकल वही सूरत वही, बदला तो बदला सिर्फ एक फैशन ही बदल गया। इससे इंसान को लोभ हो जाता है, किसी को पैसा पर, किसी को धन दौलत पर, किसी को अपने सुंदरता पर लोभ होता है, मगर जिंदगी में लोभ कभी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये कष्ट का कारण बन जाता है जीवन में। पति पत्नी के सुख कब तक रहते? जब तक जिया थन तब तक दाई दादा के सुरता रही। पति पत्नी के जीवन कब तक? जब तक जिया थे तब तक नारी के गति है, पति जिया थे तब तक, और पति नहीं है तो कोई नारी के गति नहीं है। काबर की वो इंसान वो शरीर के लिए नहीं रोता, जब कोई गुजर जाता है तब किस लिए रोते हैं? उसके याद के लिए रोते हैं जिसके साथ हम जिंदगी बिताए हैं। वास्तव में आज माता सीता के दुख में आज परमपिता परमात्मा राम को देखो, ये माता सीता के लिए आज बन बन जंगल जंगल में घूमते हैं, काज रात्रि भगवान ला घूमे के बताओ। तो कर्म जगत में आए हैं, कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के मनिहारी वाले नांची टिकली नहीं दे तुमन ला, वो दाई हो पैसा रही तो टिकली दी, वो फोकट में कहा दी माइक ला मोरे कहू तक ये चल ही कहा नहीं चले, ये माया रही थे, ये माया रही थे ये माइक वाले के। और वह बेचारा अपन लोग का भाई खेत खार के मायम नाचा थे, तब यहाँ तक दौड़ के आए हो माइक ल चलावा थे, जही तक घर में 2 रुपया पापा मोर बरकाला हंस कही ले बताओ थे, है ना? ये प्रेम ये माया है, हम सब इसी में बंधे हैं। इसलिए
जब कोई छोड़ करके जाता है ना तो बड़ा दुख होता है इस शरीर को, क्योंकि हम सब माया जगत में फंस चुके हैं। भगवान को तो हम नहीं पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको भगवान का पूरा दर्शन करा सकती हूँ, आज तक तो मोला नहीं दर्शन, तो तुम अले कहाँ दर्शन करो दाई हो, यहाँ भटकत भटकत गोबरा गांव आ गए हो, दे मच्छर मन के दर्शन होवत, यहाँ भगवान के दर्शन नहीं हुई। लेकिन जहाँ मन में विश्वास है वहाँ भगवान जरूर वास करता है। और कहते क्या है, मन की कोयली बोले वो दीदी
मनुष्य मन दाई हो, है ना। मनुष्य मन जो है का करते सियान के बात मतलब नहीं सुने। आजकल डोकरा बब्बा मान समझ ही ना, तो आजकल के लड़का मन ओकर बात ला नहीं सुने। वो बोला थे तो बोला थे, है ना, कहते नहीं कि कुकुर कतनो भूख ही लेकिन हाथी ला कोनो फर्क नहीं पड़े, क्योंकि आज दुनिया में इंसान एक से एक सीख देने वाला है। और कहते क्या कि लोभ की इच्छा दंभ पर काम के केवल नारी। सही बात है, नारी है तब पुरुष मन अपन पत्नी के बल में जो है कहा करते काम कर डालते। और पति पत्नी के जीवन में श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है। पत्नी है तब पति अपन लोग लड़का बाई बार जो है बल के सहारा जो है कमा सकते। ध्यान रही और नहीं रही तो हम डेढ़ बार आम घुमा रहते हैं नहीं, कदे कर सिगरेट पिया थे, कदे कर गांजा पिया थे, तेकर कोई भरोसा नहीं रहा। अब बड़ ब्याह हो गए मतलब वो कहा हो गए कथिन नरिम गढ़ देवा बंधा गया, अब नहीं घूमे। पहली छेला गड़बड़ घूमत रही से, अब बाई आ जाए तब चेक चढ़ते। सही बात है। और पत्नी जो है कह जाते कि जीवन में कि काम केवल नारी है ना, तो बल काम केवल नारी। वास्तव में आज नारी से ही दुनिया बनती है और नारी से ही घर परिवार उजड़ जाता है। एक नारी के सहारा ही घर को चलाना सीमित नहीं है, क्योंकि साथ होना जरूरी, बल का होना जरूरी है। और इंसान जब तक जीवन में लोभ की इच्छा दंभ पर, लोभ और लोभ इंसान को गिरा देता है। लोभ इंसान को गिरा देता है, ना पत्नी के लिए लोभ करना, ना बच्चे के लिए, ना माता पिता के लिए, ना धन दौलत के प्रति। अगर करना है तो इंसान जीवन में कोई तीन ऐसे काम कर लो संसार में, क्योंकि किसी का अच्छा उपकार करोगे तो जीवन में इंसान जो है उपकार को ही मान्यता देते हैं। मगर आजकल नहीं दे वैसा दुनिया में नहीं है। जे बने सज्जन आदमी रही तो साथ दी ना, बोले एक दिन नाम लियो कर बाकी दिन नहीं ले। और जे ज्यादा गुंडागिरी करते ना गांव में ओकर नाम मन पहली मुंह बस जाते आदमी मन इसने गलो करते आजकल, क्योंकि आज दुनिया में गुरु मन ले चेला मन आगे बढ़ गए है दाई। गुरु मन ले चेला मन आगे बढ़ गए है। क्रोध के पुरुष वचन बल मुनि बर कहा ही विचार। क्रोध के मतलब श्रेष्ठ मुनि विचार करके ऐसे कहते कि वाचम वास्तव में कि क्रोध कठोर है, क्रोध कठोर है, इसलिए कहते कि ऐसे वाणी बोले मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे और आप ही शीतल होए। अगर ते दूसर के साथ अच्छा वाणी में बात करबे, मीठा वाणी बोलबे तो तोला भी सामने वाले मीठ मीठ वाणी जो है बोलिए। और ते कनो हर्रस भर्रस बोल दे सब सामने वाले समझ आ जाते कि कैसा नहीं। रामचरित मानस हमको ये सिखलाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। किसी इंसान का अच्छा करके अगर मन को अच्छा लगता है तो हमको उपकार करना चाहिए, है ना, ऐसे काम करना चाहिए। ना किसी का बुरा देखना है, ना बोलना है, ना कभी सुनना है। ऐसे जीवन में होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के तो हर इंसान ला जरूरत हिदाई हो, मगर ऐसे काम करते हुए चलो तो दुनिया नाम ले। मगर यहाँ कहा कहते अपना काम बनता दुनिया कुछ भी करता। आज के मानव यही सोचता है अपना काम बनता दुनिया कुछ भी करता ये सोचता है, मगर दुनिया कुछ भी करे वाला बात नहीं है। इस दुनिया में दीन दुखी है, क्योंकि भगवान किसने जन्म लिए हैं कि विप्रधीन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। अतिक बड़ रामायण लकरवा तो दाई हो, है ना। ये मायके वाले ठेका नहीं है कि वो कारपेट लभी छही तुम्हारे बैठे भर, वो सब मिलजुल करके काम न कर सकते हो, क्योंकि एकता में अनेकता होता है। जब पति साथ है तो पत्नी को भी साथ देना जरूरी है। और बिना पति पत्नी के जीवन अधूरा है, घर परिवार अधूरा है। इसलिए विवाह का मतलब क्या होता है, सिर्फ लोग लेकर जन्म दे पर या फिर आगे बढ़ाए पर नहीं हो, ये संसार के लोभ को भोगना पड़ता है, इसलिए ब्याह होता है, है ना। इस संसार के लोभ को भोगना पड़ता है इसलिए ब्याह होता है। और क्रोध के पुरुष वचन बल, वास्तव में अगर पुरुष को क्रोध कर दिस ना तो कर बल भी ही कहलाते। आदमी ओकर सन बोले पर छोड़ दिए वो ख्याल नहीं है। लेकिन नारी क्या है, नारी ऐसे वाणी अगर बोल दी तो वास्तव में पति ला भी शांत कर सकते। नारी भी इतना भी शक्ति है। इसलिए आज देखो माता सीता के लिए परम पिता परमात्मा राम जो निकल गए गुणातीत चराचर स्वामी राम उषा सब अंतर जामी। और वास्तव में आज
भगवान के दर्शन के खातिर पूरा दुनिया राम नाम के जयकारा करत है, तो हमन काबर भगवान के भक्ति नहीं कर सकन बताओ। हमें भी हिम्मत है क्योंकि सिर्फ खाए बर मुहूल नहीं बना है, चारी गोठे बर मुहूल नहीं बना है, दाई हो हाथ ला बना है दान करे बर, क्योंकि जीवन में आए हैं तो भगवान किसी को मन से सुंदर और किसी को धन से सुंदर बनाया है। मगर कथे गुरुवा के दिन बहुत थे, एक दिन सब ला वैसी होना है। ये माया जगत है मगर किसी को पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि माया के नाच परमात्मा नाच जो है हम सब ला जो है नचावत है। और का कहते अब चलो भजन के माध्यम से। लखन सिया दाम चंद्रे शंकर
जय। और माता सीता जी के खोद के लिए पिता परमात्मा राम जी बन बन चलने लगे। तभी समय के बेरा दाई हो परमात्मा रामचंद्र जी महाराज जी अनुज भाई लक्ष्मण जी ला समझाते और भगवान भोलेनाथ महाराज जी सुंदर कैलाश पर्वत में बैठ करके देखा थे। गुनातीते चराचरी स्वामी तो कथी की शिव जी कहने लगते कि हे पार्वती सुन, रामचंद्र जी महाराज जी गुण के तीत है, मतलब तीनों गुणों से परे ही वे हैं। तीनों गुणों वास्तव में किसका विप्र धेनु सुर संत हित है ना, रजगुण तम गुण और सम गुण, वास्तव में भगवान तीनों गुण से परिचित हैं। और तीनों गुण आज भगवान में रहते हुए भी मनुष्य में ऐसे गुण नहीं होता, सबके होते हुए इंसान लोभ हो जाते हैं। मोला सोना चांदी मिलते जाए, हीरा मोती मिलते जाए, कभी कोई कहीं निष्ठावान या फिर संकल्प कोई लेते का बता। स्कूल में पढ़े जाते लड़का मन का करते दोनों हाथ ला आगू डर बढ़ाते, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करन। लेकिन संकल्प का ऐसा होता है जो इंसान कर सके वो इंसान को संकल्प लेना चाहिए। यहाँ तो इंसान नहीं खाओ कहा था लेकिन लालच कहाँ गए, चूल्हा डर चूरे हैं कि नहीं चूरे हैं होकर दिमाग वही डर गए, यह सोचता ही इंसान। मगर निष्ठावान कभी आज इंसान में देखने को नहीं मिलता। संत ज्ञानी सही बात बोलते है कि इंसान के मति भले कहीं रहा लेकिन ध्यान कहाँ रहते। सबसे पहली बात अपन स्वार्थ की चिंता करते है नहीं? राजा दशरथ जी महाराज जी ऐसे रीस काम नहीं, प्राण भले जाए मगर वचन मत जाए। मगर आज के इंसान का कहते मोर वचन भले चल दे मगर मोर प्राण कभू मत छूटे। जान बुझ करके इंसान भी कहा करते वचन को निभाना नहीं चाहता। ये मानव जगत में फंसे इसको निकलना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान जो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के रूप में समर्पण कर सकेगा, नहीं कर सकते क्योंकि हम इस माया जगत के माया में फंसे हुए। यही तो बल है, यह भी क्रोध है और यही लोभ है। लोभ लेका और लोभ का होता है धन दौलत का होता है। आइए पीलावती के संकेत धर्म से एक छोटे से भजन फिर आप सभी से विदाई लेने का प्रयास करेंगे। लखन सिया राम चंद्र शंकर ताली बजाना। और आज की लास्ट मंडली हम हैं, द्वितीय दिवस की लास्ट मंडली हम हैं, तो निवेदन करना चाहूँ। और ताली भी हर जगह नहीं बजाया जाता, जहाँ भगवान का भजन होता है वहाँ ताली का जरूरत होता है। या तो कोई नेता आते हैं तब ताली का जरूरत होता है क्योंकि भगवान को प्रेम से बुलाया जाता है। और कहते क्या है, बोली राजा रामचंद्र की जय।
नचले प्रभु का लगाए दरबार, नचले नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगाए दरबार, नचले नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगाए दरबार, नचले नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगाए दरबार, नचले नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगाए दरबार, नचले नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगाए दरबार, नचले नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगा है दरबार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंच से मानस मंडली श्री सच्चिदानंद दीप ज्योति बालिका मानस परिवार गारका जिला बालोर। मैंने राम से दिल लगाया है मैं जानू या वो जाने, मैंने राम से दिल को लगाया मैं जानू या वो जाने, तो जो जान सोई दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान को वही जानते हैं जो अपने दिल को लगाते हैं। दिल लगा करके देर रात तक हमारी श्री सच्चिदानंद दीप ज्योति बालिका मानस परिवार की बालिकाओं ने जो अपना अमूल्य योगदान दे करके अमूल्य समय दे करके हमारे ग्राम की पावन धरा पर उपस्थित होकर के सुमधुर संगीत के माध्यम से कोकिला कंठ के माध्यम से भगवान राघव सरकार की पावन चरित्र का चित्रण कर रहे थे। भगवान जब सीता हरण हो जाती है तो एक विरही की भांति विरह योग में घूमते हुए व्याकुल होते हुए ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात लक्ष्मण के बीच कर रहे हैं। कर रहे क्या करो, मानो कामदेव मेरे को हंसी उड़ा रहे ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन भाई इस संसार में लोभ की इच्छा दंभ बल काम क्रोध लोभ सकल मोह के धारी, ये मोह मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन्ही ते उपजे बहुसूला। मोह से ही सारी जो दुख है इस जीव का उनसे उत्पन्न होता है। इन भाव को हमारे बीच में मंचा सिंह मंडली पर उसने प्रयास कर रही थी। मैं आपको सम्मान विदाई करूं। विदाई के लिए सादर आमंत्रित है कुमारी निर्मल पिता ढाल सिंह, कुमारी प्रीति साहू पिता रमेश साहू।